सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अंकुर एंड यू आर वाचिंग ऑटोराइटर यूट्यूब चैनल। आज अपने पास 125 सीसी में काफी दमदार बाइक बेहतरीन लुक्स के साथ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम 125R के बारे में, जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था ऑटो एक्सपो में, तो ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया था। तो आज की वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। बात करूँगा इसके प्राइस क्या मिलती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या कलर ऑप्शन हैं। तो वीडियो के अंत में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सो गाइस, ये है इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। देख सकते हैं हेडलाइट प्रोफाइल थोड़ा शार्प दिया गया है और यहाँ पे दिया गया एलईडी डीआरएस। हीरो की बैजिंग मिल जाती है, साथ ही कोई भी वाइजर वगैरह देखने को नहीं मिलता इसमें। यहाँ पे नंबर प्लेट का स्पेस मिल जाता है और हाँ, इसमें आपको मिल जाता है एलईडी इंडिकेटर। देख सकते हैं, मैं ऑन करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लुक देता है। साथ ही इसमें आपको हजार्ड लाइट का फीचर मिल जाता है, जिसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। ये भी ऑन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं। चलिए इसे बंद कर देता हूँ। साथ ही नीचे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं डुअल टोन में मडगार्ड दिया गया है, ब्लैक एंड ब्लू, जो कि कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। साथ ही फ्रंट में आपको 37mm का टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन मिल जाता है, ABS भी दिया गया है और इधर आपको 240mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। बात करें व्हील प्रोफाइल की, तो आपको मिल जाता है 90x90 सेक्शन का 17-inch अलॉयस के साथ। और अलॉय व्हील का लुक दिखा देता हूँ आपको। तो ये 2-spoke अलॉय व्हील है, जो कि काफी बेहतरीन लुक दे रहा है। MRF के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, साथ ही आपको बोथ साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। ये है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। एक्सटेंडेड टैंक्स रॉड मिल जाता है, 125R का स्टिकर दिया गया है, काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। मेरे लिए पीस बाइक के स्टाइल को काफी बेहतरीन बनाता है। साथ ही साइड की ओर बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है एयर कूल्ड इंजन 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर के साथ। पावर मिलता है 11.4 bhp एट 8250 rpm। टॉर्क दिया गया 10.5 न्यूटन मीटर एट 6000 rpm। और माइलेज की बात करें तो अराउंड 50-60 किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको किक स्टार्टर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। आई थिंक ग्रेटर 125 में ये मिसिंग है, तो ये काफी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा आपके लिए। साथ ही बढ़ते हैं इसके रियर ब्रेक की ओर, तो देख सकते हैं आपको पूरा मेटल का मिलता है ब्लैक कलर में। ये इसका राइडर फुटरेस्ट, टॉप में यहाँ पे रबर दिया गया है, नीचे आपको मेटल का मिलता है, जिससे कि राइडर को ग्रिपिंग काफी सही मिले। और इधर देख सकते हैं ये है प्लेन फुटरेस्ट, जो कि पूरा मेटल का है। इस डिजाइन पैटर्न से भी अच्छा खासा ग्रिप मिलेगा। साथ ही ये पीस देख सकते हैं पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलता है। हीरो का स्टिकर दिया गया है और स्प्रिट EBT लिखा मिल जाता है। बात करें रियर व्हील प्रोफाइल की, तो यह दिया गया 120x80 सेक्शन का 17-inch अलॉयज के साथ। और अलॉय व्हील का लुक आपको फ्रंट में दिखाया, वही सिमिलर आपको रियर में भी मिलता है। साथ ही रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है विद द साइज ऑफ 130mm। और पीछे देखो तो आपको इधर हगर मिल जाता है, जो कि बाइक को कीचड़ वगैरह से बचाएगा। साथ ही इधर अंदर भी मडगार्ड मिल जाता है। और इधर देखो तो हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है व्हाइट कलर में। साथ ही एग्जॉस्ट का लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का मिलता है, थोड़ा शॉर्ट मिलता है। ये पूरा ब्लैक कलर में और ये प्रोटेक्शन शील्ड, तो ये बाइक को काफी स्पोर्टी लुक देता है। बात करें रियर प्रोफाइल की, तो इधर आपको मिल जाता है टेल लाइट कुछ इस डिजाइन में। साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर प्लेट लाइट, जो कि आई थिंक हैलोजन है। साथ ही इधर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, ये नंबर प्लेट का स्पेस। और यहाँ पे दिया गया स्प्लिट ड्रैप रेल काफी अट्रैक्टिव स्टाइल में, साथ ही ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होने वाला है। बात करें लेफ्ट प्रोफाइल की, तो इधर आपके सेफ्टी के लिए व्हील कवर दिया गया है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। और ये हगर का अटैचमेंट भी काफी रिजिड है। इधर पिलियन फुटरेस्ट, इधर राइडर फुटरेस्ट, और इधर आपको मिल जाता है सिंगल लीवर गियर 5 ट्रांसमिशन के साथ, 1 डाउन एंड 5 अप। साथ ही इधर आपको चेन देखने को मिल जाता है और ये इसका डायमंड फ्रेम चेसिस। ये इसका सिंगल स्टैंड और ये इसका मेन स्टैंड। और इधर दिया गया हॉर्न। सीट हाइट आपको देखने को मिलता है 794mm का, और कुशनिंग देख सकते हैं काफी ठीक ठाक है। बाय द वे, मैं अभी आपको बैटरी दिखाता हूँ कैसा कंफर्ट मिलेगा, कैसा बॉडी पोस्चर होने वाला है और आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए इसे परफेक्टली राइड करने के लिए। सो गाइस, ये है इसका टैंक विद कैपेसिटी ऑफ 10 लीटर्स, बट मेरे अकॉर्डिंग 11-12 लीटर्स का होता तो काफी बेहतरीन होता, बट फिर भी ठीक है, कोई ज्यादा कम नहीं है। और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है 1.6 लीटर का। साथ ही टैंक पे इधर देख सकते हैं एक्सट्रीम की बैजिंग मिल जाती है 3D में, एक्स ब्लू कलर में है और ट्रिम देख सकते हैं ग्रे कलर में। साथ ही टैंक नोजल का लुक कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, और ओवरऑल टैंक आपको देखने को मिलता है डुअल टोन में। इधर QR कोड देखने को मिलता है, 20 का स्टिकर है। साथ ही बात करें टैंक के स्टाइल की, तो ये भी काफी मस्कुलर है, कट्स वगैरह काफी शानदार देखने को मिलता है। और रियर व्यू मेरा दिखा दो तो इसका लुक भी काफी बेहतरीन है। सिंगल पीस ब्लैक हैंडल बार दिया गया है। राइट हैंड कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो इधर आपको दिया गया है 5 लाइट बटन, अपर डिपर स्विच, हजार लाइट स्विच, इंडिकेटर एंड ये हॉर्न का है। साथ ही राइट हैंडल की ओर देखें तो इधर आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप एंड किल स्विच, और इसमें आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच मिल जाता है, तो काफी स्मूथ होने वाला है। मीटर ऑन करने से पहले आपको इसके कीज दिखा देता हूँ, तो कुछ इस टाइप के कीज मिलते हैं जैसा कि पहले आपको मिलता आ रहा है। इधर हीरो की बैजिंग मिल जाती है और 2 कीज देखने को मिलते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग लुक्स के जैसा कीज को भी अपडेट करना चाहिए था, थोड़ा स्टाइलिश लुक में दे सकते थे। चलिए ऑन करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को।
सो गाइस ऑन कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आरपीएम मीटर दिया गया है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टाइमिंग, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, और इधर आपको वार्निंग लाइट्स दी गई हैं, न्यूट्रल, ऑयल, इंजन, एबीएस। इसके अलावा ऐसा आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है कॉल एंड मैसेज अलर्ट के साथ। साथ ही इधर आप देख सकते हैं कहीं भी यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये थोड़ा हिडन रखा गया है। ये आपको इधर देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का। सो आई डोंट नो ये हिडन क्यों रखा गया है, और आई थिंक काफ़ी लोगों को इशू हो सकता है यूएसबी केबल लगाने में। चलिए बात करते हैं इसका कर्व वेट की, तो देखने को मिलता है 136 kg। बात करें ग्राम क्लीयरेंस की तो दिखा दूँ तो ये आपको देखने को मिलता है 180 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही ओवरऑल लेंथ दिया गया है 2009 mm, विड्थ देखने को मिलता है 793 mm, और ओवरऑल हाइट है 1051 mm का। एंड देखिए इसका व्हील बेस तो ये है 1319 mm, और गैस मैंने इसका हॉर्न और एग्जॉस्ट साउंड भी रिकॉर्ड किया था, बट आई डोंट नो क्लिप कहाँ चली गई, आई थिंक वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, इसके लिए सॉरी। बट चलिए सीट कंफर्टेबिलिटी देख लेते हैं। सो गैस मेरी हाइट है अराउंड 5.8 feet, और मेरे पैर आराम से पहुँच जा रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 5.5 के आसपास भी हैं तो कोई भी इशू नहीं होने वाला। और बात करें कंफर्टेबिलिटी की तो सीट कंफर्टेबल है, टैंक ग्रिपिंग भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिल रही है, और बॉडी पोस्चर भी देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। सो गाइस ये बातें तो हो गई, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, चलिए बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस के बारे में। तो फर्स्ट है कोबाल्ट ब्लू, सेकंड इज फायर स्टॉर्म रेड, एंड थर्ड इज स्टैलियन ब्लैक। साथ ही साथ प्राइस भी देख लेते हैं, तो इसमें आपको टोटल 2 variants देखने को मिलता है। फर्स्ट इज IBS, इसका ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 1.14 lakhs, एंड सेकंड वेरियंट देखने को मिलता है सिंगल चैनल ABS, इसका ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्स 1.20 lakhs। सो ये प्राइस सिटी टू सिटी वेरी कर सकते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जरूर चेकआउट कर लें, और कौन सा कलर ऑप्शन आपको ज्यादा बेहतरीन लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप इस बाइक की ओर जा सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको स्पोर्टी लुक मिल जाता है काफी अफोर्डेबल प्राइस पे। साथ ही इसका माइलेज भी काफी बेहतरीन है। इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ एंड प्लानिंग टू परचेज हीरो बाइक्स एंड स्कूटर, देन आप प्राइट मोटर विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो गाइस ये था एक्सट्रीम 135R का डिटेल रिव्यू, आई थिंक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप हमारा गोरिल्ला 450 का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।